सर रोहित शेट्टी इज मेड इन इंडिया। अब क्या बनाया है सर, मतलब क्या धमाका है। सिद्धेश उसे नूडल्स दे सर। नूडल्स के लिए कितना ना, जरा वॉल्यूम प्लीज। आ रहा है क्या बस, अभी आ रहा है। ये बैकग्राउंड देखो यार, घुमा फिरा के बात नहीं करते हम लोग। एक नूडल्स का, चिंग्स का, मेरा और रणदीप का कोलैबोरेशन रहा है 5 साल से। हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था, एक और मतलब एक कमर्शियल कही है, फिल्म कही है, वीडियो कही है, शॉर्ट फिल्म कही है, ये वो है, बट हमारे तरीके की है, आड़ी टेढ़ी है, थोड़ी सीधी सीधी है नहीं, बैको है। और एक पुराना एसोसिएशन और कोलैबोरेशन रहा है मेरा, रणवीर और चिंग्स का। तो वापस से एक बार फिर हम एक नई फिल्म लेके आ रहे हैं, जो एक 5 मिनट की है, विच इज़ अ कमर्शियल एक्चुअली। इसे आप कुछ भी कह सकते हैं, कमर्शियल जैसे मेरी फिल्में होती कुछ भी कह सकते हैं, वैसे वैसे यही ये भी वही है। इसे आप ऐड भी कह सकते हैं, इसे आप शॉर्ट फिल्म भी कह सकते हैं, ऐसे आप फिल्म भी कह सकते हैं, चिंग्स का कमर्शियल भी कह सकते हैं। क्राइटेरिया ये है कि इंजॉय करना चाहिए लोगों को, है ना, कि देख के मजा आना चाहिए। तो इसमें शायद मुझे यकीन है, शायद नहीं, कि आप लोगों को मजा आएगा, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बस यही है। मजा आ रहा है सर, BTS को देख के लोग दीवाने हो रहे हैं। और वहां पे एक क्वेश्चन पूछा है सर ने, क्या तेरे को डर लग रहा है? उसके ऊपर से भी अभी पर्दा हटाएंगे, लेकिन उससे पहले सर डू दी ऑनर्स हो जाए सर। तो किसको बुलाऊं, रणवीर सिंह को बुलाऊं कि सिम्बा को बुलाऊं? रणवीर सिंह को बुलाऊं, रणवीर सिंह को बुलाऊं आज? तो आइए भाई रणवीर सिंह। कैन वी हैव द म्यूजिक एंड गिव इट अप फॉर रणवीर सिंह। बड़ा भैया वॉल्यूम बढ़ा दो, स्टेज खाली रखना पड़ेगा, क्योंकि आएंगे तो वॉल्यूम बढ़ाओ। हेलो, नमस्कार।